बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुमेश्ता बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। इस समय की बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। 11 हथियार, 20 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद किए हैं। इन हथियारों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। यह बड़ी कार्रवाई एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में की गई। अपराधियों को पकड़ने में एडीएसपी प्यारेलाल, एएसपी आदित्य काकड़े, साइबर एक्सपर्ट एएसआई दीपक यादव व दिलीप सिंह की रही अहम भूमिका। यह जो हथियार बरामद हुए, वह मध्य प्रदेश से लाए गए थे। पुलिस के अनुसार अलग अलग जिलों में वारदात को अंजाम देने की तैयारी में ये थे। एसपी गौतम ने कहा कि बीकानेर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रवण सिंह सोढ़ा, एक एचएस है हमारे बीकानेर नया शहर थाने का, जो रिसेंटली पकड़ा गया था, पैरोल पे बाहर गया था और पैरोल से फरार हो गया था, बीकानेर जेल वापस नहीं पहुंचा था। ये व्यक्ति, इसके खिलाफ राजस्थान के विभिन्न जिलों में और हरियाणा में 24 गंभीर सेक्शंस में ऑलरेडी केसेस दर्ज हैं। हमारी बीकानेर पुलिस की साइबर टीम दीपक एएसआई के नेतृत्व में और एसएचओ नोखा, आईपीएस प्रोबेशनर आदित्य काकड़े के नेतृत्व में और एडिशनल एसपी ग्रामीण और सीओ नोखा के साथ मिलकर पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें इस फरार अपराधी श्रवण सिंह सोढ़ा और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम सवाई सिंह इंधा है, जो जोधपुर ग्रामीण बालेसर थाने का रहने वाला है, इनसे 11 हथियार, जो पिस्टल्स हैं, 20 मैगजीन और 40 कारतूस इनसे बरामद किए गए हैं। ये दोनों और श्रवण सिंह सोढ़ा के अन्य साथी के साथ मिलकर बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर और जोधपुर में बड़ी वारदातों को अंजाम करने के लिए इन हथियारों को मध्य प्रदेश से लाना प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है। ये लोग बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर और सीकर में बड़े व्यापारियों के साथ या अन्य लूट की, एक्सट्रॉशन की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन हथियारों को यूज़ करने वाले थे। इनके जो गैंग मेंबर्स हैं, उन पर भी अब बीकानेर पुलिस जो है साथ ही साथ इनसे पूछताछ कर रही है। अब इनको जज साहब के सामने पेश करके इनको पीसी रिमांड पर लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इनके बाकी साथी और इनसे और हथियार बरामद होने की भी हमें उम्मीद है।